बिटिया कहाँ बाबूजी? ये देख ये कच्ची पगड़ी है, ये हमारी शान है। आज मेरी तरफ से तुझे ये भेंट। बहुत सुपर्ब लग रहे हो पापा। पापा एक फोटो इस दो कीजिए। क्यों बेटा? रेडी पापा यहां पर। मम्मी अभी आ जाओ। हाँ बेटा। मस्त आया बापूजी। ये जेठिया एक बात हमेशा याद रखना, पगड़ी आबरू और रुतबे का प्रतीक होती है। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, इसलिए मैं तुझे पगड़ी दे रहा हूं। और हाँ जेठिया, ये पगड़ी कोई ऐसी वैसी पगड़ी नहीं है। मैं जब तेरी उम्र का था तब मेरे बापूजी ने मुझे ये दी थी। मैंने मेरी माँ के नाम से पानी की परब बंधवाई थी, तब खुश होकर बापूजी ने मुझे दी थी। इसका मतलब बापूजी ये तो खानदानी पगड़ी है। बापूजी आज आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। पापा आप ये पगड़ी संभाल के रखना, जब मैं बड़ा होकर आपके और दादाजी की तरह अच्छे काम करूं तब आप मुझे पगड़ी पहनाना। शाबाश। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा। पिताजी आपका खूब खूब आभार, ऐसे उच्च विचारों वाले परिवार में मेरी शादी कराई। अरे बहू तेरे लिए भी कुछ है, एक मिनट रुका। अरे बापू जी आज खुशम खुश है। ये आपकी सरप्राइज की वजह से है। जी ये ले, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति तेरे लिए। बापू जी मुझे? अरे बहू तू तो घर की लक्ष्मी है, तुझसे इस घर में बरकत है। ईंट और सीमेंट से तो सिर्फ मकान बनता है, लेकिन उसे घर घर की लक्ष्मी बनाती है। अरे बहू जिस तरह से तू मेरा जेठिया का और टप्पू का ख्याल रखती है, धन्य है बहू तुझे, धन्य है। थैंक यू बापूजी, पर ये तो मेरा फर्ज है बापूजी। अरे नहीं नहीं बहू, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुझ जैसी सुशील और गुणवान बहू मिलना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। बापूजी मैं आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मुझे तो हमेशा आप में पिताजी ही नजर आते हैं। हाँ उल्टा कभी कभी मुझे आप में ससुर जी नजर आते हैं। दया ये संभाल के रखना। बाबू जी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ ना ना मतलब देखिए आप, तू आज सुबह जल्दी उठाए तो तुझे थोड़ा आराम करना है तो आराम कर ले, है फिर जाना दुकान। और मैं तो कहता हूँ कि आज तुझे छुट्टी लेनी है तो छुट्टी ले ले, नटू बागा दुकान संभाल लेंगे। पूजी बापूजी आप भी आराम कीजिए ना, वो क्या पूरी रात भर आप सरप्राइज की वजह से सो नहीं पाए। हाँ। तो आप भी आराम कीजिए। हाँ बापूजी। हाँ हाँ दादाजी चलिए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। हाँ, 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 जा जा बेटा जा। हाँ, सबा सबा सबा। हाँ, आइए आइए आराम। हाँ मैं लेता। हेलो। हेलो जेठा भाई, अंजलि बोल रही हूँ, दया भाभी है घर पे? एक मिनट अंजलि भाभी, अंजलि भाभी का फोन। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। दया भाभी आपको याद है ना कि अभी मेरे घर पे मीटिंग है, आप आ रही हो ना? अंजलि भाभी मैं अभी आई हूँ। जल्दी पहुँचिए। टप्पू के पापा मैं अंजलि भाभी के घर जा रही हूँ, आज हमारी महिला मंडलों की मीटिंग है। अच्छा ठीक है तो चल मैं भी आता हूँ, मैं वहाँ रहूंगा तो कुछ सलाह वला अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ना। हाँ ये मजा आएगा। कौन कौन आ रहा है? कोमल भाभी, अंजलि भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी और मैं। बबीता जी को भूल गई तू? हाँ भूली नहीं हूँ, बबीता जी भूले सर गए हैं हम सब के लिए नवरात्रि के कपड़े की खरीदी करने के लिए। अच्छा टप्पू के पापा एक मिनट, मैं ये सब रख के आती हूँ फिर हम चलते हैं। दया 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 मैं क्या कहता हूँ, वैसे भी मुझे थोड़ी नींद तो आ ही रही है, वहाँ मीटिंग में बैठ के अगर मैं झोंका खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम कर मैं नहीं आता हूँ, मैं सो जाता हूँ। ठीक है जैसी आपकी मर्जी।
नवरात्रि में दया का उत्साह लाखों की भीड़ में भी अलग दिख जाए ऐसा होता है। लगता है इस बार गोकुल धाम का महिला मंडल राज गरबा में धूम मचाने वाला है। ठीक है तो इस बार मैं गरबा नहीं खेलूंगी। ये क्या बोल रहे दया भाभी? नहीं दया भाभी, आपके बगैर गरबा करने में मजा ही नहीं आएगा। बराबर बोल रहे रोशन भाभी। दया भाभी आपको गरबा करना ही पड़ेगा। सबने मिलकर तय किया है कि इस बार हम सब एक रंग के चनिया चोली पहन के गरबा खेलेंगे। हम अनेक रंग एक और बबीता जी हम सब के लिए एक रंग के चनिया चोली केडिया ओढ़नी लेने गए हैं, तो फैंसी ड्रेस थीम नहीं रख सकते। बराबर सॉरी कुछ अलग हटके। मेरे पास मस्त आइडिया है। क्या? हमारे उम्र आदमी नवरात्रि में टाउटू की फैशन है। आई हैव अ टाउटू। व्हाट इज टाउटू? एक मिनट दया भाभी, वो टाउटू नहीं पोपटियू होगा। पोपटियू फेमस है। अरे नहीं, टाउटू मतलब वो हिंदी में जिसको गोदना बोलते हैं और गुजराती में बोलते हैं छुंदना। वो अलग अलग चित्र बनाते ना हाथ में पीछे पीठ में ये इसे अलग अलग डिजाइन के टैटू बनाता है यूनिक टैटू और ट्रेडिशनल ड्रेस में इस बार नवरात्रि में तो मजा ही आएगा। एक मिनट तो ये तय रहा कि हम सब टैटू बनवाएंगे। अब देखते हैं कि टैटू के रंग और गरबा के संग किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा शानदार दिखती है। इतनी धूम मचाएंगे, रंग जमाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएंगे। यस यस, आज तो मजा आ जाएगा। आज की रात तो गरबा टू हो जाएगी। गरबा टू नाउ अगेन आई हैव अ डाउट टू मी टू पाछो टेसू दया भाभी व्हाट इज टू? गरबा टू मतलब आज हम गरबा भी खेलेंगे और टाउटू भी बनाएंगे, इसलिए होगा ना गरबा टू। दया भाभी अब टॉक खा गई।
जो हमारे लिए मस्त कपड़े लेकर आने वाली है उसके साथ धमाल करेंगे, डांडिया से डांडिया टकराएंगे और हम मस्त गरबा गाएंगे। मैं क्या कहती हूँ, अगर सब तय हो ही चुका है तो चलो ना इनको प्रस्ताव सुनाते हैं। इनको किनको? इनको किनको? असु का है इनको, मतलब मेरे ये क्या, ये वो इनको उनको किनको, ये मतलब ये क्या, ये क्या? एक को मेवा सेक्रेटरी। ये अभी सूप करने देरी क्या, चलो तैयारी करते हैं। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। माधवी, दया भाभी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आप। अरे भीड़ भाई, पत्नी की साड़ी को इस्त्री करना शर्माने वाली नहीं, गर्व करने की बात होती है। मानवा पड़े हो भीड़े भाई, मेरे रोशन से तो मैं एक रुमाल आयन करना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और भीड़े भाई, हम सब तो हमारे पति को आपका एग्जाम्पल देते हैं कि जाइए देखिए भीड़े भाई को कि माधवी भाभी को घर के हर काम में मदद करते हैं। वो सब भी मेरे इसी बात का तो मजाक उड़ाते हैं। वो भी इतने एंथुसियाज्म के साथ। उत्साह के साथ। हाँ, है। भीड़े भाई, पति घर में पत्नी को मदद करते हैं ना, तब जीवन के आसमान में संगीत इंद्रधनुष बन जाता है। तब जीवन संगीत वाला और आसमान इंद्रधनुष वाला बन जाता है। वाह, चांगले चांगले, कशाला सांगितलं ना एकदम अचानक। हाँ, वो माधवी भाभी हम सबको लेकर आई है। बताइए माधवी भाभी, आप आपके इनको क्या प्रस्ताव बताने वाले थे, वो बताइए। क्या प्रस्ताव? नहीं, तैसे का है, आज नवरात्रि है ना, तो गरबा खेलने के साथ साथ हम लोग टैटू भी करवाने वाले हैं। टैटू? हाँ। मैं समझाती हूँ, जब पति पत्नी को काम में हाथ बटाते हैं ना, तब जीवन संगीत। भाभी वो मैं समझ गया, मैं टैटू की बात कर रहा हूँ। क्या है कि शरीर पर छुंदड़िया करते हैं, वो यहाँ पर छुंदड़िया। दया भाभी, इनको पता है टैटू क्या है? हाँ दया भाभी, टैटू मुझे मालूम है क्या है। मैं ये बोल रहा था कि टैटू मतलब वही ना कि अगर एक बार आपने जो कर लिया तो वो परमानेंट हो जाता है। मतलब मान लो किसी ने ऐसे मुंह पे ऐसे शेर बनाया और वो गया ही नहीं, तो पर मुंह पर शेर क्यों बनाएगा कोई? एक मिनट भिड़े भाई, मैं आपकी बात समझ गई। आप परमानेंट टैटू की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए होता है। हम टेम्पररी टैटू की बात कर रहे हैं जो बनाने के बाद जब चाहो निकाल सकते हो। हाँ, और आजकल तो त्योहार में सब वो रिमूवेबल टैटू ही लगाते हैं। अच्छा अच्छा, रिमूवेबल टैटू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भीड़ भाई, आपकी हाँ है ना सोसाइटी के सेक्रेटरी भाई की हम रजामंदी समझे? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अनोखा आइडिया है, आज तो सोसाइटी में गरबा की धूम मच जाएगी। हाँ, गो अहेड गो अहेड। मतलब कैरी ऑन, मतलब लगे रहो, अच्छा है। तुझावी नशा मला एकट एकट वाटत, गरबा खेळायला लवकर ये ना। हाँ, खुश खबर, गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल द्वारा आज रात गरबा के साथ साथ टैटू बनाने का आयोजन किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सबसे अनुरोध है कि वो अपनी जोड़ी में आए, आंखें चकाचौंध हो जाए, ऐसे सच सबर कर आए, ऐसे टैटू बनाए कि लोग देखते रह जाए। हर जोड़ी को टैटू करने का अनुरोध है और उसके तुरंत बाद गरबा की धूम मचेगी। बरोबर ना? क्या 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 बरोबर, क्या ये क्या लिखा है? सबसे अनुरोध है कि अपनी जोड़ी में आए, हर जोड़ी को टैटू करके आने का अनुरोध है। ये जोड़ी जोड़ी क्या लगा रखा है?
अरे पोपटलाल, अरे क्या पोपटलाल भाई, जो जोड़ी में ना वो कार्यक्रम में आए ही नहीं, मैं आऊं ही नहीं नवरात्रि के कार्यक्रम में। नहीं 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 भिड़े, तू जानता है कि मुझे गरबा खेलने का कितना शौक है, मैं पूरा साल नवरात्रि का इंतजार करता हूँ और तूने लिख दिया कि जोड़ी में आना। तो भिड़े मुझे एक बात बता कि अगर मेरी शादी हो रही है तो तुझे इससे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा शादी का क्या संबंध है पोपटलाल? अरे क्या क्या संबंध है भाई, हो सकता है कि गरबा खेलते खेलते किसी लड़की को मेरा गरबा इतना पसंद आ जाए कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल माताजी मेरे लिए मेरा जीवन साथी नवरात्रि में भेजेगी और तूने लिख दिया कि जोड़ी में आना। कैंसल करो भाई ये प्रोग्राम, कैंसल करो। पोपटलाल शांति शांति पोपटलाल, मेरी बात सुनो। देखो भाई, मुझे जो महिला मंडल ने बोला वैसे मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया। अरे तुम तो आ ही सकते हो ना, तूफान को कौन रोक सकता है? मैं तूफान हूँ। तूफान मतलब तुम तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो ना, वरिष्ठ युवा डैशिंग पत्रकार, वैसे तूफानी पत्रकार, वैसे तूफान। हाँ अरे भाई तुम्हारे बगैर तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं कैंसिल कर दूंगा कार्यक्रम। ये हुई ना बात। थैंक यू बड़े, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लिखा है, मस्त लिखा है। थैंक यू थैंक यू। टपू से ना यहाँ नोटिस पढ़ो। नहीं आओ आओ बच्चो, जल्दी आओ, भिड़े अंकल ने बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ो पढ़ो। आज आप पहली बार आपके जमाने को छोड़कर हमारे जमाने में आ गए। वाह टाटू, वाह वाह वाह। अरे भाई टप्पू, मैं हमारे जमाने में ही हूँ, ये जो आइडिया है वो तुम्हारी मम्मियों का है। सबकी मम्मी एकदम बेस्ट है। थ्री चीयर फॉर आवर मम्मीज। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। लेकिन बाबा ये टैटू बनाएगा कौन? इसके लिए तो हमें कोई प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी ना। और हाँ भाई भिड़े, अगर टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अरे क्या क्यों, अगर एक ही आर्टिस्ट हुआ और उसने सबके टैटू बनाए और किसी ने पूछ लिया कि भाई उसका टैटू क्या है और अगर उसने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ तो सरप्राइज नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है, अलग अलग ढूंढेंगे। हाँ पोपट अंकल बराबर कह रहे, चलो हम लोग टैटू आर्टिस्ट को लेकर आते। चलो चलो। टप्पू क्या जरूरत है, हमारे सोसाइटी में एक टैटू आर्टिस्ट है। कौन रे गोले? अरे भिड़े अंकल आप। छुपे रुस्तम, तूने नया चालू किया टैटू का, बताया नहीं है किसी को? नहीं 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 पोपट, ये गोड़िया तुम्हें किसने बोला मुझे टैटू बनाने आता है? अरे कैसी बात कर रहे हैं भिड़े अंकल, आप इतना अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं तो टैटू बनाना तो आता ही होगा ना। अरे भाई गोली बेटा, ये टैटू बनाना और ये ड्रॉइंग करना अलग अलग होता है। देख रहे आर्ट है। भिड़े अंकल हमारे सोसाइटी के नजदीक में टैटू आर्टिस्ट है, चलो उसको मिलकर आते हैं। एक मिनट यही रुको, मैं माधवी को बोल के आता हूँ, मजा आ जाएगा भाई। माधवी, ओ माधवी, क्या हो? मैं जरा बच्चों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वो टैटू आर्टिस्ट को लेके आते हैं। हाँ, अच्छा आर्टिस्ट लेके आना। हाँ आहो इकड़े, पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचना, भले ही बजट थोड़ा ज्यादा हो लेकिन अच्छा टैटू आर्टिस्ट लेके आना। हाँ जाओ। हाँ अच्छा आर्टिस्ट कर लो, काय धावड़ा तेज तेज तेज। आप चिंता मत कीजिए सर, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए टैटू बन जाएगा। अरे मेरे टैटू के चर्चे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में है, अरे कई फिल्म स्टार्स के टैटू बनाए हमने, आप लोग फटाफट डिजाइन पसंद कीजिए। हाँ भाई। फ्रेंड्स मैं तो पूरी बॉडी पे टैटू बना लूंगा, समोसा भेल मसाला डोसा वड़ा पाव। ए गोड़ा, ए मेनू कार्ड, लोग होटल में नहीं आए भाई, क्या है, जरा शांत रह। देखिए भाई हमें सबसे सस्ते और अच्छे टैटू दिखाइए। अरे सर आप पहले टैटू सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद पैसे तय कर लेंगे। भिड़े अंकल आप एक काम करो, आप एनाकोंडा का टैटू बना लो। हाँ कौन? अरे एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप, या फिर आप चाइनीज ड्रैगन बना लो। नहीं तो अरे आप ये खोपड़ी बना लो, ये मस्त एकदम मस्त लगेगा। टप्पू हम लोग को नवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाना है, किसी को डराना नहीं है।
भाई हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसे देखकर सामने वाला प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। इन शॉर्ट हमें सस्ते सुंदर लेकिन टिकाऊ टैटू नहीं चाहिए। और हाँ अंकल, हम टप्पू सेना है, हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसकी थीम एक हो ताकि हमारी दोस्ती नजर आए। डोंट वरी बच्चों, हो जाएगा, आइए बैठिए। नहीं अभी यहाँ पे नहीं बैठना है, दरअसल हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ। क्या है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी टैटू बनवाने हैं, तो आपके साथ अगर आप 7-8 और आर्टिस्ट को लेके आएंगे तो आसानी होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल लाइएगा, मतलब किसी को पता नहीं चला एक दूसरे के टैटू के बारे में। ठीक है, मैं मेरे कलीग्स को लेके आपके सोसाइटी में आ जाऊंगा। मैं और मेरे कलीग्स ऐसे टैटू बनाएंगे, ऐसे टैटू बनाएंगे कि देखने वाले देख के दंग रह जाएंगे। अब तो मुझे भी टैटू बनाने का अनोखा उत्साह आ गया। आज तो मजा पड़ी जैसे गरबा डांडिया अने टैटू। क्या बात है, मजा आ जाएगा। आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता है टप्पू के पापा ने बाबूजी को जबरदस्त सरप्राइज दी। हाँ, क्या है, यहाँ मुंबई से हर साल आशा पूरा माँ के भक्त माताजी का मर जाते हैं। हाँ, साइकिल पर सवार होकर 6 कच्छ तक। हाँ, तो वहाँ वो सभी भक्त आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे। हाँ, और बापूजी ने उनको हरी झंडी बताई। हाँ, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया। माँ बहुत मजा आ गया। और माँ पता है, इस सरप्राइज से खुश होकर बापूजी ने टप्पू के पापा को खानदानी पगड़ी भेंट दी। हाँ, और माँ पता है बापूजी ने मुझे भी गिफ्ट दी, क्या पता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति। हाँ, माँ बापूजी मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, कैसे परिवार में मेरी शादी हुई है। हाँ, और क्या, अभी देखो ना, आज तो हमारी सोसाइटी में धमाल होने वाला है। अरे क्या है कि हम लोग आज गरबा के साथ साथ टोटू भी बनाने वाले हैं। अरे टोटू माँ, वो ऐसे हाथ में छुंदड़ा नहीं करते, ऐसे वो हरी हरी टपकी होती है, चित्र बनाते हैं। हाँ, बराबर, फैशन घूमती रहती है, आ गई पुरानी फैशन। हाँ माँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टोटू बनाऊं। हाँ, तुम्हारे ध्यान में कुछ टोटू का आइडिया है ना तो बताना। क्या क्या बात कर रही थी माँ से? वो हम सब सोसाइटी में टाउटू कराने वाले हैं ना, उसकी बात कर रही थी। टाउटू मतलब? टाउटू गुजराती में छुंदड़ा बोलते हैं ना, वो शरीर पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं, ऐसा कुछ। अरे वो टाउटू नहीं, उसे टट्टू कहते हैं। ओ सॉरी। लेकिन दया, ये तो मस्त खबर सुनाई तूने। गरबा के साथ साथ टट्टू करवाने का मजा आएगा, देखना ये कच्ची मड़ो ऐसा टट्टू बनवाएगा कि देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाएगी। और फिर हम दोनों जोड़ी में ऐसा गरबा करेंगे। ए हालो, तू गरबा क्वीन और मैं टट्टू किंग। लेकिन टप्पू के पापा, हम क्या टट्टू बनाएंगे? सोचना पड़ेगा, कोई ऐसी जबरदस्त चीज बनानी पड़ेगी कि देखते ही लोग कह उठे कि टट्टू हो तो ऐसा हो वरना ना हो। लेकिन उससे पहले टट्टू बनाने वाला कलाकार भी ढूंढना पड़ेगा ना भाई। अरे चिंता मत कीजिए, टप्पू से ना टट्टू कलाकार ढूंढने ही गई है, सबके लिए अलग अलग टट्टू कलाकार आने वाले है। चलो बढ़िया, तो अभी क्या टट्टू बनाना सिर्फ वही सोचना है, ठीक है? इधर किधर, इधर है भाई। ओ हाँ, बोलिए बोलिए नट्टू काका। नहीं सेठ जी, नट्टू काका नहीं, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी आप कहाँ है? घर पे। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आज आप दुकान नहीं आ रहे। बाबूजी का फोन नहीं आया? किस बारे में? कि मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। नहीं। अच्छा तो नट्टू काका को किया होगा। नहीं सेठ जी, अगर नट्टू काका को फोन किया होता तो उनका फोन मुझे वडनगर से आया होता। नट्टू काका वडनगर गए? भूल गए सेठ जी, आप ही से तो छुट्टी लेके नट्टू काका वडनगर गए हैं।
वो कुल देवी की पूजा करनी है ना। सॉरी मैं भूल गया भाई, वो तो हर साल जाते हैं ना। ठीक है चल मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहुँचता हूँ दुकान। नहीं सेठ जी, आपको आना है तो आइए, वरना मैं तो दुकान संभाल ही लूंगा। पक्का संभाल लेगा? क्यों सेठ जी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, पर वो क्या है, आज यहाँ सोसाइटी में गरबा की जबरदस्त तैयारी चल रही है, और गरबा के साथ साथ टट्टू भी बनाने वाले हैं ना। टट्टू? वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए काम आते हैं वो वाले टट्टू? अरे वो टट्टू होता है ये टट्टू, वो नहीं हो बदन पे वो चित्र विचित्र वो चित्र बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं छुंदड़ा। अच्छा सेठ जी, टैटू। हाँ वही। अरे वाह, ये तो बहुत मजे की बात है। हाँ तो उसी की तैयारी के लिए मैं घर पे रुका हूँ भाई। अच्छा कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ ठीक है, तो फिर कुछ काम हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ सेठ जी। ओके। टप्पू के पापा बताइए ना, हम क्या टैटू बनवाए जिससे हमारा वट पड़ जाए। सोचते हैं। बबीता जी, आप तो भुलेश्वर गए थे ना शॉपिंग करने? हाँ मैं जाके भी आ गई। ओ, फटाफट जाके आ गए। अय्यर भाई क्या रॉकेट में बिठा के लेके गए थे? आइए बबीता जी, अय्यर भाई बैठिए। बैठिए, आ जा। वाह बबीता जी, खरीदी करके लेके आए कपड़े। दया भाभी बहुत सुंदर कपड़े मिले, आई होप सबको पसंद आए। अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, सवाल ही नहीं है। आप खरीदी करके कपड़े लाए और किसी को पसंद ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता है? नहीं दे? ना, बराबर है, बबीता जी की पसंद तो A1 होती है। बस एक चीज में गोथा खा गए। क्या? क्या? नहीं, मेरे को लगा तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए मीठा जी, ये आपके लिए है। और दया भाभी आपका है। मस्त है, कलर चाचा जी और टप्पू के लिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम। जबरदस्त पसंद है आपकी बबीता जी, मुझे तो मेरा कपड़ा बहुत पसंद है। जनरल तुम्हारे कपड़े मैंने पसंद किए हैं। आपने? हाँ क्यों नहीं कर सकता। ये बबीता जी, ही इज जस्ट जोकिंग जीठा जी, सारे कपड़े मैंने ही सिलेक्ट किए। हाँ वही तो मैं सोचू, अय्यर भाई और काठियावाड़ी कपड़े घर बैठ नहीं रही थी। मतलब मानने में ही नहीं आ रहा था, लेकिन मस्त कपड़े है, नहीं थे? बबीता जी, आज महिला मंडल की मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि रात को गरबा खेलने सब लोग टाउटू के साथ आएंगे। टाउटू नहीं, टट्टू। जलालाल, टट्टू भी नहीं, टैटू। It's okay. Actually हमने नोटिस बोर्ड में पढ़ा, आज की इसे ब्रिलियंट आइडिया, बहुत मजा आएगा। तो आप क्या बनाने वाले हैं बबीता जी? सॉरी जलालाल, ये तुमको नहीं बता सकते। नहीं अय्यर भाई, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बबीता जी से पूछ रहा हूँ। जेठालाल, कोई भी किसी को भी पूछे, किसी को भी कोई कुछ बताना नहीं चाहिए। जेठा जी, actually he's right. पहले से कह दिया तो क्या मजा है? I think it should be a surprise, हाँ? अरे हाँ, टप्पू के पापा, सरप्राइज से याद आया। क्या? आज अपने बापूजी को सरप्राइज दी और बापूजी ने खुश होकर आपको पगड़ी पहनाई, और ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ भी एकदम खुशम खुश हो गई और मैंने तुरंत आपका नया नाम रख दिया। बाद में दया बाबा, अभी बबीता जी ईयर बॉय है, जरा कॉफी बना के लेके जा। दया बाबी काफी नहीं चाहिए, आपकी मम्मी ने जेठालाल का क्या नाम रखा है वह बताइए। वीर पाखड़ी वाला। क्या क्या पाखड़ी वाला? वीर पा अय्यर भाई, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? ये तो बहुत सम्मानजनक नाम है, वीर पाखड़ी वाला। सॉरी
बबीता चले, वो टैटू क्या बनाना है वो भी डिसाइड करना है। हाँ हाँ एक्चुअली ओके वी शुड लीव एक्चुअली। बस जाना है बबीता जी। वैसे बबीता जी टप्पू से ना टैटू बनाने वाले कलाकारों को लेकर आती ही होगी, आज तो सब लोग ऐसे तैयार होंगे ना कि धूम मच जाएगी और एक दूसरे के टैटू देखकर सब लोग एकदम दंग रह जाएंगे। आज की रात तो रंगीली होगी, बहुत सारी मस्ती होगी। तो बोलो श्री अंबे ये टैटू आर्टिस्ट डैनी है। हेलो सर। जल्दी बताओ ना कौन सा टैटू बनाना है। टैटू बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए वैसे मैं लोगों को इंजेक्शन लगाता हूँ लेकिन मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मैं टैटू नहीं बनवाऊंगा। कम ऑन हंस रिलैक्स, मैंने इनसे बात कर ली है, ये सुइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट वरी, मैं ऐसे टैटू बनाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैटू कब बन गया। मैं इससे टैटू बनाऊंगा, ऐसा लगेगा कि मोर पंख घूम रहा हो। सिंपल, ये देखिए इससे लाइए, आपका हाथ दीजिए। हाँ कम ऑन हंस। देखिए सो सिंपल। शुरू तो करने दो। अरे हाँ संभालो। देखो तुम्हारा टैटू बनना बाकी है, मेरा टैटू बनना बाकी है, हमें तैयार भी तो होना है, देर हो जाएगी। हाँ लेकिन मुझे बहुत खुदकुरी हो रही है। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, मैं टैटू बना लेती हूँ, तुम देख लेना किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ओके ओके। सिंपल सिंपल, अभी पता चलेगा। रिलैक्स ओके, आप मेरे लिए एक मस्त टैटू बनाइए। हंस वॉच दिस। कुछ नहीं होता। अरे रुकिए। सॉरी आप हंसेगी तो टैटू कैसे बनेगा। रोशन वक्त बहुत कम है, तुमने डिसाइड किया कि तुम टैटू कौन सा बनाने वाले हो और हमें तैयार भी होना है। ओए सोनिए, और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा टैटू बनवाऊं यार। और टैटू जो है ना वो एकदम अनोखा, डिफरेंट, शानदार, लाजवाब होना चाहिए। हाय हाय रोशन, तू चार चार टैटू बनाएगा? अरे तेरे इश्क में तो चार क्या 40 टैटू बनवा दूंगा। रोशन एक काम कर, तू हाथ पे ये लिख दे मैं शेर दिल सरदार। और सुनिए तू भी कमाल करती है यार, वो जितने भी सरदार जी है ना वो शेर दिल ही होते हैं, वो इसको लिखवाने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी सच है यार। और सुनिए एक काम करता हूँ, यहाँ इस हाथ पे ना मैं अपनी गड्डी का टैटू बनवा देता हूँ और यहाँ लिखवा देता हूँ पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और तू एक काम कर अपने हाथ पे लस्सी का गिलास बनवा ले, और लस्सी का गिलास परा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, क्या है ना जब तू गरबा खेलेगी ना तो लस्सी डूल जाएगी ना। कभी बोले तू बड़ी बोली है तू सुनिए, अब मजाक कर रहा हूँ ताकि नए नए आइडियाज आए। देखिए मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसा टैटू बनवाना है। मेरा टैटू सबसे बढ़िया होना चाहिए, कोई ऐसा टैटू बनाइए जिसे देखकर कुंवारी लड़कियां मेरे पास आकर मुझसे कहे पत्रकार पोपटलाल जी प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। श्योर, थैंक यू। वैसे डोंट माइंड, पर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी मेरी शादी हो गई है और दो बच्चे भी हैं। देखिए हम यहाँ वहाँ की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है, हम सिर्फ टैटू क्या बनाना है इस पर ध्यान दें। बट सर यहाँ वहाँ की बातें तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी। जी कोई बात नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा टैटू बनवाना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे ऐसा जबरदस्त टैटू बनाइए। आजकल लेटेस्ट टैटू है 3D टैटू, आप 3D टैटू बना दीजिए। आइए तुम मेरे लिए टैटू के डिजाइन चूज करो। बेटा मैं तो चूज करूंगा लेकिन पहले तुम मेरे लिए टैटू का डिजाइन चूज करो। मैं भी चूज कर लूंगी तुम्हारे लिए, पर तुम मेरे लिए पहले चूज करो। बबीता लेट इज द फर्स्ट, पहले तुम चूज करो। अरे आप एक दूसरे को ऐसे ही पूछते रहोगे तो टैटू कब बनेगा? आई एम सॉरी। यस अगर हमारा टैटू एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। यस मैड फॉर ईच अदर। हे
मीट फॉर इच अदर से एक आइडिया है। माधवी, किसी ने सोचा नहीं हो ना ऐसा टैटू बनाना है हमें। अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा टैटू भी ऐसे एकमेव होना चाहिए ना, और हमारे जैसा टैटू किसी का नहीं होना चाहिए, तो क्या बनवा सकता हूँ मैं? आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे ना? पूरी सोसाइटी? हाँ। टैटू? हाँ। अरे का बरी है ना, चार चार विंग, एबीसीडी विंग, शिवाय गार्डन, मंदिर, अरे कहाँ का बनवाऊंगा, पूरी बॉडी पे बनाना पड़ेगा टैटू। नहीं नहीं माधवी, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। एक मिनट बरो, एक आइडिया है। क्या? ओ, मतलब ये टैटू बनाएंगे ना तो आपका सीना ऐसा गर्व से फूल जाएगा, मराठी माणूस का नाम ऊंचा हो जाएगा, नहीं? ओ, 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 क्या आइडिया दिया है माधवी। सब देखते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टैटू बनाना। अरे वाह तारक, आपने टैटू बनाना शुरू भी कर दिया। देखो तो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं दिखा नहीं सकता, सरप्राइज है। सरप्राइज मुझसे? हाँ। बीवी हूँ आपकी। टैटू के मामले में कोई पत्नी वत्नी नहीं भाई, सरप्राइज। मेरे कहने का मतलब है सारी दुनिया से सरप्राइज, और दुनिया वाले जब इसे देखेंगे उन्हें मजा आ जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए एक सलाह है मेरे पास, तुम करेले का टैटू बनवाओ, अंजलि सूट करेगा तुम पे। मिस्टर तारक मेहता करेला भी अच्छा ही होता है। अच्छा? पर आप चिंता मत कीजिए, और मैंने सोच लिया है कि मैं कौन सा टैटू बनवाने वाली हूँ। आप सोचती भी है? हाँ हाँ। देखना मिस्टर तारक मेहता, मेरा टैटू ना आपको और पूरी सोसाइटी को इतना अच्छा लगेगा कि सब देखते रह जाएंगे। भाई साहब, मुझे कोई ऐसा टैटू बनवाना है जिससे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तहलका मच जाए, देखते ही लोग चक्कर खा के गिर जाए। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बॉडी पर ऐसा टैटू बनवाइए। क्या ना, मैं आपकी मुंह के ऊपर शेर का मुंह बनाऊंगा, और पूरे बॉडी से होते होते पांव तक आते आते इसकी पूंछ खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। पति जी, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा टैटू है। टप्पू के पापा, इतना बड़ा टैटू आप सबको दिखाएंगे कैसे? हाँ वही, नहीं नहीं भाई, वो मुझे मेरा जितना टैटू नहीं चाहिए, छोटा सा लेकिन कुछ मजेदार उसमें होता कुछ दिखाइए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं और देखता हूँ। टप्पू के पापा, आप ऐसा टैटू बनाइए जिससे आपको फायदा भी हो। फायदा मतलब? मतलब आप आपके दो गाल और एक कपड़ का उपयोग कीजिए। एक कपड़? कपड़ सबको एक ही होता है। हैं? देखिए, आप टैटू की शुरुआत कपड़ से कीजिए। नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कीजिए, और टीवी और फ्रिज में भारी छूट पाइए। हेलो गणा इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन भावरे? अरे बाप रे सेठ जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। बावरी जी, सेठ जी का फोन। अरे बाप रे, आपने फोन क्यों उठाया? अब सेठ जी डांटेंगे। मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी ये बावरी बार बार दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सॉरी बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। हेलो, क्या करूं? लाई। हेलो, कौन? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, देखिए मुझे एक फ्रिज खरीदना है, तो आपकी दुकान खुली है क्या बंद है? आपने गलती से मिस्टेक कर दी ना, सेठ जी का फोन नहीं है, किसी बहन जी का फोन है, उनको अपनी दुकान से एक फ्रिज खरीदना है। आप भी ना, देखिए बहन जी। या बहन जी के बच्चे। सेठ जी आप, ये तो चीटिंग है। ये चीटिंग वाली चीटिंग तो तू कर रहा है, मना किया फिर भी बार बार बावरी को दुकान में बुला लेता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है, बल्कि उनका मुझे फोन आया था। मैंने तो सिर्फ बावरी जी से यही कहा कि आज गोकुलधाम सोसाइटी में गरबे की धूम मचने वाली है, वो भी टैटू के संग, तो उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो दुकान चली आई मुझसे पूछने क्या हम भी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने जा सकते हैं। अच्छा, अभी तक वो दुकान में आती थी, अभी उसको गोकुलधाम सोसाइटी में भी आना है।
गोकुलधाम सोसाइटी में आना है। बावरी का गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने आना है। एक मिनट जरा, बाघा भाई है ना? हाँ। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। अरे बाघा भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आ जाइए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। लीजिए। देखिए, इनमें से कोई टैटू पसंद आ रहा है? नहीं भाई साहब, इसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा है। टप्पू के पापा, एक मस्त आइडिया है। नहीं। अरे सुनिए तो सही। नहीं। अरे 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 नहीं। कैसा है आइडिया? ये आइडिया मेरा दिमाग में भी आया था, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप आंख बंद के करवा ही लो, मस्त लगेगा। ठीक है, हो जाए। हे भगवान, मेरा टट्टू सबसे अलग है, तो जरा लाज रखना, मतलब सबको पसंद है ऐसा करना। मस्ती, डांस और धमाल, गोकुलधाम की नवरात्रि है कमाल। गरबा विद टैटू, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है नोखी, वैसे इनकी हर एक बात है अनोखी। आज सवार होगा सब पे गरबे का पागलपन, और जिनको नहीं आता उनका भी करेगा नाचने का मन। तो आइए देखते हैं किस किस ने कैसे टैटूज करवाए हैं और कौन कैसे गरबा खेलता है। ने क्या क्या टैटू बनाए हैं। टप्पू सेना, जाओ वृंद, जाओ जाओ, रेडी, 1 2 3। वाओ टप्पू सेना, क्या टैटूज बनवाए हैं। वाओ अमेजिंग, मजा आ गया। टप्पू सेना के टैटूज को देखकर ही लगता है कि इनमें कितनी यूनिटी है। टप्पू सेना एकदम यूनिक है, इनके दिल में चांद पे जाने की तमन्ना भी है। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारा देश इन्हीं के कदमों के साथ आगे बढ़ने वाला है। हो गए, बन गए टैटू। दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे? ये दिखाओ, मैं दिखाऊं। टप्पू से ना, क्या बात है यार। शाबाश बच्चों, क्या बात है, यूनिटी। हाँ पोपट जी, जरा अपना टैटू तो दिखाइए। भाई पोपट लाल, तुम्हारा टैटू किधर है? अरे देखो देखो, ये क्या, आधा छाता और पोपट, इसमें भी पोपट अकेला। सॉरी, एक मिनट जरा पकड़। आप रहा, ये देखिए। ओहो, दुल्हन का टैटू भाई, वाह भाई। मैंने कहा था ना कि ऐसा टैटू बनवाऊंगा कि जिसे देखकर कुंवारी लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाए। Very, very nice, अरे वाह वाह पोपट लाल, रियल लाइफ पे ना सही, लेकिन टैटू में तो तुमको मैना मिल गई। सही बात है। ओ यार यारा, ओ माता जी के आशीर्वाद से हमारे पप्पू को मैना और मैना को पप्पू मिल जाएंगे। थैंक यू वेलकम यारा। चादा मैना।
गोकुल धाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी साहब, आप अपना तो टैटू दिखाइए। हाँ भाई, हाँ भिड़े, ये देखो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। क्या बात है सेक्रेटरी साहब, सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी का टैटू भी अपने आप में एक मेव है। और हाथी भाई, आपका टैटू? मैंने तो अपनी फेवरेट मिठाई लड्डू का टैटू बनाया है। क्या एक और हाथ पे अनेक। अरे वाह वाह, क्या बात है हाथी भाई, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, इन लड्डुओं का आप खा मत जाना। अरे क्या बेटा, क्या टैटू बनवाया है। और सोरी भाई, अब आपका टैटू तो बताइए। सिंग इज किंग। अब मेरी डार्लिंग रोशन के लिए लव यू सोनिया। वाह, बहुत ही अच्छा टैटू है। वाह पापा वाह। अय्यर भाई, अब आप भी बताइए। ये देखिए मेरा टैटू। क्या बात है साइंटिस्ट साहब, अब तो डिफरेंट सोचा आपने एकदम। यस आत्माराम, पूरी दुनिया का पड़ा ध्यान और हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा मंगल पर। क्या बात है भाई अय्यर साहब, आप तो वैज्ञानिक के साथ छायर भी हो गए हैं। ये यारा, पर ये हाथ पे क्या लिखा है यार तूने? और ये बंगाली लैंग्वेज में क्या लिखा है? सॉरी, चलिए अब देखते हैं मेहता साहब ने क्या टैटू बनवाया है। अरे भाई, मेरा तो आप लोगों को नजर आ ही रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। इधर है कलम और इधर ये चेहरा। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरी कलम हर वक्त कुछ ऐसा लिखे कि हर चेहरे पे मुस्कान दिखे। मेहता साहब की कलम में है जैसे हंसी खुशी और मस्ती, उनकी कलम में भी हंसी है बस्ती। थैंक यू, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अरे अब्दुल, तुमने क्या टैटू बनवाया? सोडे की बॉटल और ओपनर। पूरी दुकान तो साथ में नहीं रख सकता हूँ ना, इसलिए सोडे की बॉटल और ओपनर साथ में लेके घूमता हूँ। वाओ, आप सब ने एक से बढ़कर एक टैटू बनाए हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहे हैं और नए नए टैटू भी ला रहे हैं। ये देखिए, बागेश्वर जी और बावरी जी आए हैं। देखिए, हाय 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 हाय। ए बाघा भाई, तुम्हारे इस गाल पे बीबी मतलब क्या भाई बहन? नहीं नहीं मेहता साहब, बीबी मतलब बागेश्वर और बावरी जी, मेड फॉर ईच अदर। अरे पता है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था बाघा। ओ अच्छा अच्छा, मजाक कर रहे थे। बावरी जी, आपके गाल पर ये कमल क्यों है? प्यार की निशानी तो गुलाब होती है। करेक्ट। मैं तो गुलाबी बनवाने वाली थी, लेकिन गलती से मैंने टैटू आर्टिस्ट को कमल कह दिया और उन्होंने कमल बना दिया। कोई बात नहीं बावरी जी, कमल भी कमाल लग रहा है। थैंक यू। अलग अलग टैटूज देखकर तो मजा ही आ गया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जाएगा। अरे हाँ, लेकिन मजा तो तब पड़ेगा जब मेरे परम मित्र आएंगे भाई जेठालाल, तब मजा देखो कितना आता है। अरे हाँ, कहाँ है भाई जेठालाल? मैं जाके तेरा लेट। लो नाम लिया और जेठा जी हाजिर हो गए। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या टैटू बनवाया है। जेठालाल, आज यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं है क्या? मतलब नहीं, मतलब हे का है सगा। जेठालाल, हमको यहाँ पर गरबा खेलना है, कव्वाली नहीं गाना है।
छोटे अय्यर और जेठा भरा और तुसी दसो तुमने कौन सा टैटू बनवाया और किधर बनवाया यार? हाँ देख लो क्या टैटू है। अरे सॉरी अब समझ में आया कि जेठालाल ने ऐसे चेहरे पर कपड़ा क्यों रखा हुआ है। क्या है जेठालाल ने जो टैटू बनाया ना वो बिगड़ गया है, किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चेहरे पर ऐसा कपड़ा डाला है। नहीं जेठालाल टैटू तो दिखाना पड़ेगा, टैटू दिखाओ। हाँ टैटू दिखाओ बस। हाँ भाई जेठालाल ऐसी भी क्या पर्दादारी, सब अपने ही लोग है, दिखाओ क्या टैटू बनाया। हाँ भाई दिखाओ जेठा जी दिखाइए। हेलो खालो जलेबी। अरे वाह जलेबी क्या बात है जेठा भाई। अरे पर जेठा इन टैटूज में छुपाने वाली क्या बात थी, तो बहुत बढ़िया टैटू है, क्यों नहीं बता रहे थे तुम? अरे भाई कौन छुपा रहा था ये अय्यर भाई, बोलने ही नहीं दे रहे थे मुझे, आया था हर गाने बिगड़ के इसने नहीं देखा रहे। अरे भाई बोलने तो दो, वो क्या दरअसल मैं पहले ये वाला टट्टू दिखाना चाहता था ए हेलो, उसके बाद ये वाला दिखाना चाहता था ए खालो। क्या ये ऐसे ही आता था मैं तो कोई पहले ये देख लेता था ए खालो, उसके बाद ये देखते थे ए हेलो। मजा ये खालो ए हेलो का नहीं है, ए हालो ए खालो उसका है। सही बात है, सही बात है। कैसा लगा टट्टू ये बोला ना भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सेठ जी बहुत मस्त लग रहा है टैटू। हां जेठा भाई मैंने भी लड्डू का बनाया है। हां हां अरे जबरदस्त मस्त है भाई वाला लड्डू। लड्डू लड्डू जलेबी का जोड़ी। इन शॉर्ट जेठालाल तुम्हारा ये जो टैटू है वो खाने लायक भी है और दिखाने लायक भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन दिल थाम कर बैठिए, डांस फ्लोर पर तूफान मचाने और बिजली गिराने आ रही है गोकुलधाम की ब्यूटी क्वीन। आइए देखते हैं गोकुलधाम की लेडीज ने किस तरह के अलग अलग टैटूज बनवाए हैं। मैंने एक बहुत स्पेशल टैटू बनवाया है, अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। करेक्ट। क्या बात है अंजलि, तुम्हारा मयूर तो इतना जीवंत है कि अभी लगता है हाथ से बाहर निकल के नाचने लगेगा। कोमल तुम्हारा टैटू देख मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हंस? वाह माधवी आंटी डूबता हुआ सूरज मस्त बनाया है। अरे कोकी बेटा ये डूबता सूरज नहीं है, उगता हुआ सूरज है, और उगता हुआ सूरज आशा और उम्मीद का प्रतीक होता है बेटा। चांगला ट्यूशन दिला है। पॉजिटिव टैटू, पॉजिटिव। हाँ बबीता जी आपने क्या टैटू बनाया दिखाइए ना। हाय मैं मर जाऊं। ओ हो हो जबरदस्त बनाया है बबीता जी, वाह वाह वाह। क्या लिखा क्या है? ऐसा ही कुछ अलग भाषा में आयुर ने भी लिखा है हाथ पे, लेकिन बताया नहीं क्या लिखा है। बता ही नहीं रहा। मेरे भाई वो एक्चुअली अय्यर ने हाथ में बंगाली में लिखा है आई लव यू बबीता। और मैंने अपने बैग पे लिखा है तमिल में आई लव यू अय्यर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। रोशन आंटी आपने क्या टैटू बनाया है? हाँ मम्मी। चला अरे वाह होगी, अब डांडिया खेल रहा है। और रजन भाई डार्लिंग कितनी अच्छी बनाई तूने हमारे प्यार की निशानी यार। आई लव यू मम्मी। और दया आंटी आपने क्या टैटू बनाया है? हाँ मम्मी। अरे दया भाभी आपने हाथ ऐसे क्यों रखा हुआ है, दांत में दर्द है क्या? अरे नहीं नहीं दांतों में दर्द नहीं है, वो क्या है कि मेरा टैटू है ना जरा खांगी है, थोड़ी पहेली जैसा है, बुझो तो जाने। अरे दया भाभी अब पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी से टैटू दिखाइए, सब लोग बेताब है देखने के लिए। बता बता टैटू बता दे। हम्म
है। नहीं भाई नहीं, जेठालाल उस पे तुम्हारा नाम तो नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई दया मुझे कैसे बुलाती है? टप्पू के पापा। तो जेठालाल मत ढूंढो उधर, टप्पू के पापा ढूंढो, मिल जाएगा। ओह हो, हम सबके आदरणीय चंपक चाचा जी। तो चाचा जी बताइए, आपने क्या टैटू करवाया है? अरे चाचा जी, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया के क्रिकेट मैच देख के आ रहे हैं। अरे डिब्बे, सिर्फ इधर क्या देख रहा है, इधर भी देख। अरे वाह, ओ स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। आपने तो अपने टैटू में एक मैसेज दिया है। हमारे हिंदुस्तान के बारे में जितना कहा जाए कम है दोस्तों। हमने दिया है दुनिया को शून्य और योग का ज्ञान, मेरा भारत महान। हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स और वैज्ञानिक हैं हमारे देश की शान, मेरा भारत महान। हमने सारी दुनिया को सदा बांटी है मुस्कान, मेरा भारत महान। अभी सुनिए, गरबा करने में और कितनी देर, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो चलो भाई, चलो चलो, एक मिनट एक मिनट। अरे क्या हुआ भाई? माइक देंगे प्लीज। थैंक यू। सुनिए 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 सुनिए, जरा यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अभी थोड़ी देर बाद हमारे एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। कौन कौन है? जो भी सबसे अच्छा गरबा खेलेगा और जिसका टैटू सबसे बेस्ट होगा, उसको उस गेस्ट के हाथों एक प्राइज मिलने वाला है। और एक बात, अभी हम सब के बीच आ रहे हैं जिनकी धुन पर हम लोग गरबा खेलने वाले हैं, वो है संगीतकार, गीतकार और गायक उदय मजुमदार जी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो जेठा भाई? आइए आइए उदय भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। बापू जी, अभी हमारी नवरात्रि में चार चांद लग जाएंगे। उदय भाई, आपको देख के हमारा गरबा खेलने का उत्साह और भी बढ़ गया है बापू जी। हाँ, अरे जेठा भाई, आपसे ज्यादा उत्साह तो मुझे है। मैं जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ, ऐसा लगता है मैं अपनों के बीच आ गया। ओह स्वीट, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी मानो जैसे सच में भगवान श्री कृष्ण का गोकुल है। हाँ, है।
अरे गोकुल धाम में एक दिन तू आना मेरे भगवान। हे मेरे घर का बन मेहमान, तुझे स्वर्ग बुला। चंपक चाचा के साथ में
कमाल लाल सनेड़ो हो सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो है सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो हो बबीता जी के रूप की बात क्या की जाए इनको देख के चांद भी है बदले में छुप जाए लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो अरे बागा तेरी बावरी करती फेकम फेक जेठा को पेठा कहे कर गलती से मिस्टेक लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो अरे मंगल पर हम पहुंच गए लेकर मंगलयान पोपट की मैना कोई लाओ मंगल से ही यार सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो उदय भाई ओ जैसे परवाने शमा पर होते हैं कुर्बान जलेबी फाफड़ा पर जेठा लाल भी वैसे छिड़के अपनी जान लाल सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो सनेड़ो है सोढ़ी अपना शूरवीर शेर दिल सरदार बन जाता खरगोश है देख बीवी का प्यार लाल सनेड़ो हाथी भाई है बड़े डॉक्टर सुपरस्टार फीस में दे दो इन्हें बस समोसे दस बार लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो मेहता साहब है सयाने लेखक है दमदार पर अंजलि भाभी का डाइट छोड़ के खाए भजिए ये हर बार लाल सनेड़ो एक मेव सेक्रेटरी भीड़े सबको डांटे आधी रात जगाओ तो सीधा मेंटेनेंस मांगे लाल सनेड़ो आसित कुमार मोदी जी की बात कही क्या जाए उल्टा चश्मा
पहना के ये सारे जग को हंसाता जाए लाल सनीरू। धमाल और मस्ती का दौर अभी बाकी है। आज के इस गरबा और टैटू उत्सव के सरप्राइज गेस्ट पधार चुके हैं। अच्छा, कहाँ है? यहाँ से कोई है आ रहा है? इनाम नहीं दे सकता? नहीं है? दे सकता है। तो बता भाई, किससे और क्या इनाम देने वाला तू? हाँ भाई, सुन ले, बता भाई। बताता हूँ, बताता हूँ। अब सब लोग सबर रखिए। इनाम देने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यू तो आप सब लोगों के बीच में ना ही कोई प्रतियोगिता है और ना ही हरीफाई है, फिर भी बेस्ट टैटू बनाने वाले को और बेस्ट गरबा खेलने वाले को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ और उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आज के विनर है कोमल बाबी और हाथी बाबा। शेयर करेंगे अय्यर भाई और बबीता जी। और इस इनाम में दूसरे भी हिस्सेदार हैं, तारक भाई और अंजलि भाभी। और इस इनाम में उनका साथ देंगे सोनी भाई और रोशन भाभी के साथ पीड़े भाई और माझी भाभी। और माय डियर जीजा जी और माय डियर बेना भी इस इनाम के हिस्सेदार हैं। मेरे हिसाब से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गिफ्ट की हकदार है। ये तो एकदम बराबर बोला सुंदर, लेकिन इनाम क्या देने वाले हो तो पता? इनाम है ये गिफ्ट वाउचर। अरे वाह वाह। टप्पू हाँ, ये ले, सब लोगों में बांट दे। हाँ मामा, लाओ लाओ भाई, लाओ टप्पू। अरे भाई सुंदरलाल, तुमने गिफ्ट वाउचर तो दे दिया, लेकिन इसे इस्तेमाल क्या करना है? अरे कार्ड पलट के देखो, उसमें दुकान का नाम लिखा है। दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदी करने पर आप लोगों को मिलेगा 1000
ना पूछे बगैर तूने कैसे तय कर लिया? जिटिया, ये क्या बोल रहे तू? बापू जी ये तो गलत है ना, इसने कैसे तय कर लिया मुझे पूछे बगैर कि हमारी दुकान में से जो भी खरीदी करने आएगा उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी में से जो भी हमारी दुकान में खरीदी करने आएगा उसको मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट क्यों दूं? अरे उनका तो मैं भाव टू भाव, जो भाव में मुझे पड़े हैं वही भाव मैं दूंगा।